Hi everyone, today finally we're checking out Young Stunners. Yep. And we have a song that's been highly requested by you guys. It's called Afsane. So Talha Yunus, Talha Anjoum, we're gonna be listening to them for the first time as a duo. Yep. Not in Premier League. Double Talha. I'm really excited actually. Yeah, I'm loving too. Pakistani music, and now for the first time it's outside Coke Studio. So we are checking a band. Yep. Let's do it. We're here for it. Here we go. Afsane means fictions. I thought it was story. Afsane. Okay, we found an English translation, but now he's saying in the video you will see that Talha Yunus is writing the book and Talha Anjoum is living the life. As per Islam, every human being has his, her own angel which writes her future story. Ah. I wish I didn't read this. I wanted Qadar. To figure it out. Like Qadar, like you have, you have your own destiny. You know? I already love it before starting, so. Let's see. Here we go. अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह wait the beat is like फिर मिलेंगे okay I don't want to interrupt it anymore let's hear it once again अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ असर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ If I were you and you were me I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी Light it up That's how I see you खुद को मेरी नजर से देख If I were you and you were me If you were me मैं ऐसे टूटता कि टूटते हैं तारे क्या वो आज भी है मुंतजर yeah. मुख्तसर एक मुलाकात का फिर कभी मिल पाए ना दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत उरूद से जवाल देखे हैं नूर बहुत ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत मेरे हाथ में है कलम कला और शौक हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो गाने गाए बहुत दिल दुखाए बहुत ना तुम्हें आए शर्म ना हमें आए मौत मैं सेनू इस मिनट नेक्स्ट मिनट हम साइको इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है सेंड माय चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए आई गॉट बिल्स मर्द के अलग होते कायदे अगर कमाते नहीं तो मर दो तुम काय के फ्यूचर दिखता नहीं है फ्यूचर इज व्हाट आई से वो साथ खाएं कहना पड़ता नहीं वो भाई थे आई डू अ डाई फॉर द गैंग बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे गवा यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज आई रैप फॉर अ पर्पस ये करियर ए कॉज You expect me to be perfect and I'm just full of flaws Kaise likhta hoon ye verses, kya karta hoon mehsoos Main bina taaj ka badshah, got nothing to lose I'm crossing lines just to cancel out the booze Ab na dil se nikle aarzoo Jab se dil se nikli aaj tu Dil tha mera gosha hai sukoon ek Kyun bana gayi hai se bazaar tu Afsane ab likhta nahi hoon मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत पूछो मैं कितना सही हूँ क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में
वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। दिल में सवाल बड़े, पीछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले। थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, नया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे। तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद तेरे। देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग बैठे। पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बैठे। ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देखा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता। किससे लड़ूं जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा, रैप मेरी जान मैं कराची के लिए जान दे रहा। ये लड़के लिखते मुझे दिखते अपने बार्स भाई, डरता नहीं गिरने से बस दुनिया से नाराज भाई। आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई, लफ्ज कैसे तोलते जब भारी ये आवाज भाई। दिल मेरा साफ मैं इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई। फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई। सर अपना नोच रहे हम सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे। आई एन रोल मॉडल आज भी ऑन द रोड, ए अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में। डील होती क्लोज उठते साथ मुझे होश नहीं, इंडस्ट्री मेरे लन पे पर नहीं वो मेरी दोस्त नहीं। रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं, डरते नहीं हम मौत से मुसाफिर मरते रोज भाई। आई एस गॉड वाई यू मेड फियर, सब रोना चाहते बट वी हेट टीयर्स। I'm never sober but I stay clear, समझ से बार में जैसे शेक्सपियर। अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं तू देख मेरी सादगी। दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबरी, लोग मेरी मेहनत का फल खाना चाहते आज भी। ये बातें नहीं कागजी, मैं खुद को देता दाद भाई। सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई। हाईएस्ट इन द रूम मुझ तक पहुंचेंगे क्या खाक भाई, हर गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। This is too much to take. I want to read the interpretation at the end. My heart is so heavy. I don't know how I feel about you it. You saw make it nothing. So TA's car got crashed due to tree. Yeah. And due Talha Anjum, to this, he got, while driving, he hit a tree and died. Okay. And in that moment, he got to look at Talha Yunus for the okay. first time. He couldn't. He died? He died, and only after he died, he could see him, you know? Like in... Oh, wait, okay, let me read it. And due to this, TA isn't more, isn't anymore. He died. And you can also see that TA can now see TY, which is his angel, because as per Islam, a person can see his, her angel after only after his, they her death. Died. They die. I didn't see him dying. Where yeah, was he I? He actually hit... You okay. were trying to read, I'm sure. I did too. I couldn't get it from the first time. Here. Oh. Yeah, like here. मेरी सादगी, दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबर। Here he died, but he actually got up, but you know, like not for real. He died in the car, but then he got to go and meet TY, you know. This is a masterpiece. This is nothing short of a masterpiece. Yeah. Oh I love God. The way I love the way they actually talk about a beautiful and real topic. Like now when you hear rap, you don't hear much of art and rap. But here, I already know from the other one we did the Pirmilenge. And Ya Dunya, yeah, Dunya. I mean like they are lyrical, they talk about real things. You actually happening. Love their flow and rap. I love their flow. Yeah. Now I love it even more to see them independently of everything. Like they got to do the whole thing. They got to do their work and I love their work. Yeah. They are beautiful. Yeah, they too. Are talented. Okay, apart from the lyrics,
which is I found quite depressing, you know, and so real, but it was like sad and my heart so heavy. So I was reading the lyrics and focusing on the visuals. That's why I missed when he had the car crash. Me too. But I tried. I mean, I don't know if you can get it from the first listen, but this interpretation really helped us, you know, figure out the meaning of the song. Even now, but I have... It really makes sense. Yeah, even now, I didn't, like, comprehend the whole thing perfectly, you know? Like, why is he talking about that? Why did he lead a bad life, like, with the drugs? Because of rap, drinking, maybe, and the fame and everything. So yeah, he killed his girlfriend. Yeah, it wasn't very clear why he did it, and why did he lead a bad life? You know, but then I get it, like when you lead a bad life and it will lead to your death, and when you died you actually know that you did the whole thing, but it was predestined. Why is my thing, but I know how, you know. Ya Dunya, he said, you are the writer of your own destiny. But now in this one they showed us that there's someone who's like, you know, God, maybe. He's writing your destiny and you're living it. And then you get to meet your angel at the end. Someone. Yeah, your guardian angel. Yeah. Maybe. I don't know. Wow, this is but too heavy. Beautiful, yeah. Like, we went too deep. So but yeah, beautiful. Man, we gotta get back to them. I'm definitely gonna be checking more. Yeah, wow. I already love Young Stunners. And this and one rap, was, like, shocking. I need to listen to it and to watch the video once again. To read it again. But, yeah. It's a great start. I already love them from Pirmelenge. But I'm actually quite surprised because the beat is similar to Pirmelenge. Like, I thought he's gonna say, Milit Dard Bhot. حاج براينا تو انت زار رها مستقل طفيل كي غام كي شام كهاني مهبك كي مختصر. واو, you were, I actually love them. I'm a big fan. Bravo. And that's a great start for Young Stunners. Yeah. We have a long list of Young Stunners you guys recommended us to do. We're gonna do them, of course. Sure, so definitely. Soon. Man, this one is so more. Great. It will be on my playlist. And TY. We gotta learn that. The shortcut of their nickname. Yeah, like TA and TY. Man. We're definitely here for more. Keep recommending. And now we're gonna have to wrap it up. For any recommendation, make sure to drop down a comment below. And don't forget to like the video. And of course, our journey with Young Stunners will definitely continue. So stay tuned for more.